हेलो फ्रेंड, मैं अलका यादव, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण का है, जिसका टॉपिक है जैव विकास। आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैव विकास कालांतर में सरलतम संरचना वाले जीवों से जटिलतम संरचना वाले जीवों में क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। अर्थात जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत जटिल जीवों का जो विकास है सरल संरचना वाले जीवों से धीमे धीमे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसी परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है, जिन्हें जैव विकास का सिद्धांत कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवों का लुप्त होना और उनका विकास होना आदि का अध्ययन हम जैव विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। जैव विकास के सिद्धांत समय समय पर जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। इससे संबंधित तीन प्रमुख सिद्धांत के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। नंबर एक है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद लैमार्कवाद क्या है? जैव विकास के संबंध में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1744 में हुआ था। इन्होंने अपने वैज्ञानिक विचार जो प्रस्तुत किए हैं उसको ही लैमार्कवाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जीवधारी जो होते हैं उनमें वातावरण में रहकर उनके रहन सहन स्वभाव एवं विकास में प्रभाव पड़ता है। इस पूरी व्याख्या को उन्होंने अपनी एक पुस्तक फिलोसफी जुलेसिक में वर्णित किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जीवधारी जो है वो स्वयं को वातावरण के से अनुकूलित किए रहते हैं। इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं और ये विभिन्नताएं वंशानुगत होती रहती हैं। अर्थात उन्होंने अपनी पुस्तक में यह वर्णित किया है कि वातावरण क्या है, एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, यानी वातावरण में समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं और जो जीवधारी है उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है और जो जीवधारी अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं करते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और जो वातावरण के अनुसार परिवर्तित हो लेते हैं उस वातावरण में ढल जाते हैं तो उनका जो विशेषताएं होती हैं या उनके जो परिवर्तन होता है वो वंशानुगत धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता रहता है और अंत में जाकर एक नए प्रकार के जीव का उत्पन्न होता है, यानी कि वो अपने पूर्वजों से कुछ भिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण होता है। विशेषताएं लैमार्कवाद के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं कुछ तथ्य भी निम्न अनुसार है। वातावरण पर प्रभाव, पहली विशेषता क्या थी? वातावरण का प्रभाव। प्रत्येक जीवधारी चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, इन सब पर क्या होता है? वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं उनके स्वभाव उनकी जैविक क्रियाओं को बदल देता है। दूसरा क्या है? अनुकूलन की प्रवृत्ति, यानी कि एडेप्टेबिलिटी। सभी जीवों में अपने को वातावरण के आधार पर अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी सभी प्रकार के जीव हों, चाहे वो वायुमंडल में रह रहे हों, चाहे वो जल में रह रहे हों, चाहे वो थल में रह रहे हों, सभी जीवों में क्या होते हैं? वातावरण के अनुसार अपने आप में अनुकूल
होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। और जो जीव अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं वह जीव लुप्त हो जाते हैं, अर्थात वे समाप्त हो जाते हैं। तीसरा उनकी विशेषता क्या थी कि अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता, वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग आने वाले अंग, यानी कि किसी भी जीवधारी का कोई भी एक अंग ऐसा होता है जो वातावरण के अनुसार जिसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और जिसका हम अधिक से अधिक, जो जीवधारी होता है जिसका उपयोग वो अधिक से अधिक करता है वह अंग क्या होता है, विकसित हो जाता है। और जो अंग का उपयोग वो नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं तो वो अंग धीरे धीरे क्या छोटे हो जाते हैं या अवशेषी अंग के रूप में बदल जाते हैं। और अधिक उपयोग न होने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि वह अंग विलुप्त हो जाता है। चौथी विशेषता थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। लैमार्क ने बताया कि जिन अंगों में परिवर्तन हुए हैं या जो बड़े हुए हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं और जो लुप्त हुए होते हैं वे भी संतानों में आते हैं, अंततः एक नए प्रकार के जीव बन जाते हैं जो अपने पूर्वजों से भिन्न होते हैं। और बाद में ये नए लक्षण वाले जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। लैमार्क ने अपने सिद्धांत के का वर्णन करने के लिए कई उदाहरणों को भी प्रस्तुत किया, जैसे जिराफ का सिद्धांत, सर्प का सिद्धांत, जलीय पक्षी। इन सब चीजों के उदाहरणों के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत को या की को विस्तृत रूप से समझाया है। जैसे जिराफ को ही लेते हैं, आजकल जो अफ्रीका में पाए जाते हैं जिराफ, उनके क्या थे ये पहले क्या थे, डेजर्ट एरिया, यानी कि अफ्रीका के जो डेजर्ट एरिया थे वहां पर जो छोटी छोटी घास थी वहां पर ये अपना भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वातावरण शुष्क हुआ तो इन जिराफों को अपने भूख को मिटाने के लिए या अपने पेट को भरने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा, जो थोड़े से जमीन से ऊंचे वाले पेड़ पौधे थे उन पर निर्भर रहना पड़ा, यानी कि घास जो मैदान था वो समाप्त हो गया था और उन्हें पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे उनकी गर्दन थोड़ी सी ऊंची हुई। और जब और वातावरण में परिवर्तन आया तो उन्हें और ऊंचाई वाले पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ा। और उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ा, जब ऊंचाई के पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर रहे तो उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी अगली टांगों को उठाना पड़ा और गर्दन को लंबा करना पड़ा। इस तरह से गर्दन व उचका कर टांगों को अधिक उपयोग करने से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। अतः आज के समय जो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जो जिराफ हैं इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आज के जो जिराफ हैं इनके जो पूर्वज थे वो छोटी गर्दन वाले एवं छोटी टांगों वाले थे। दूसरा उदाहरण बताती हूँ सर्प के बारे में। तो लैमार्क ने बताया था कि सर्प के जो पूर्वज थे उनकी टांगे हुआ करती थीं, परंतु उनके लंबे शरीर और झाड़ियों में रेंगने, बिलों में घुसने, पेड़ों पे चढ़ने के लिए ये टांगे क्या करती थीं, बाधा उत्पन्न करती थीं। इस कारण से उन्हें क्या हुआ, धीरे धीरे वो टांगे छोटी होती गई और अंत में विलुप्त हो गई। लैमार्कवाद की कुछ कमियां थी, जैसे क्या कमियां थी, यानी कि इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई। भारत में सदियों से मनुष्यों के नाग, जो भारत में उन्होंने बताया कि भारत की जो बालिकाएं होती हैं वहाँ उनमें सदियों से एक प्रथा चली आई उनके नाक कान छिदवाने की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह लक्षण उनका वंशागत हुआ हो।
दूसरा उन्होंने ये बताया कि पहलवान का बेटा स्वतः ही पहलवान नहीं बन जाता, अर्थात निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं, परंतु पहलवान के पुत्र में पिता के समान बलिष्ठ पेशियों का अभाव होता है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि चीन में जो बालिकाएं होती हैं, उन्हें बचपन से ही लोहे के जूते पहनाकर रखा जाता है, जिससे उनके पैरों का साइज बड़ा ना हो जाए। लेकिन जब ये भी उनके अंतर्गत देखा गया है कि इन बच्चियों का जब जन्म होता है तो उस उनके पैरों का जो साइज होता है वो अन्य देशों की बच्चियों के तरह ही सामान होता है, तो ये सारी चीजों के द्वारा कुछ इसके अपवाद भी थे। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम जैविक विकास के सिद्धांत के दूसरे सिद्धांतों के बारे में, जैसे डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैविक विकास के दूसरे सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। नमस्कार दोस्तों।